हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और मैं अभी, जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरे पीछे, डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी में मैं आ चुका हूं। और आज कुछ फंक्शन है यहां पे और काफ़ी सारे बाहर के बच्चों को बुलाया गया है इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और वहां आप देख सकते हैं जैसा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो बच्चों के द्वारा बनाया गया है, और इसे हम लोग के यहाँ के हेड जो हैं वो लोग इसको जज करेंगे और कर रहे हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने खुद से बैटरी वाली गाड़ी बनाई है और काफ़ी अच्छा दिखने में है। तो इसके बारे में कुछ बताइए हमें। सोलर और बैटरी दोनों से चल सकती है। अच्छा, तो इसमें बैटरी, मैंने चार बैटरी लगाया 12 वोल्ट को। अच्छा, 48 वोल्ट में हमने कन्वर्ट किया। बिल्कुल। और ये सोलर पे फाइनल इसका सोलर का लाइट आएगा। अच्छा, तो सोलर से फाइनल से सोलर से भी चल सकती है। स्विच कर, सोलर से आप इसको चार्ज करेंगे फिर चलेंगे? अरे वाह, डायरेक्ट भी चल सकती है। अच्छा, चार्ज भी होती होगी? अच्छा अच्छा। और हमारे डीन सर जो हैं वो अभी इस प्रोजेक्ट पे देख रहे हैं कि क्या कैसा है। और ये हमारे सर अभी चलाएंगे इसको और देखेंगे, काफी अच्छा लग रहा है हमें। काफी अच्छा बनाया है। लो भाई फोटो खींचो। अरे वाह, तीन लोगों को ये लेके जा सकता है काफी आराम के साथ। रिसेप्शन एरिया जहाँ पे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है। अच्छा, इन्होंने भी कुछ प्रोजेक्ट बनाया, इसके बारे में हमें बताया जाए कि क्या है ये। हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। अच्छा, इसको हम सोलर सेल से और एसी से भी चला सकते हैं, अगर इन केस अगर सोलर यानी सन अच्छे से उग नहीं पाया ठंडे के सीजन में, एसी से सप्लाई देके इसको डीसी में कन्वर्ट करके अपने होम में तो इंडस्ट्रियल में इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे अच्छा, आपको मैं प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इनका प्रोजेक्ट और ये इनका टीम है और काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। चलिए, इसमें बेसिकली सोलर का यूज़ किया गया है ना, इसमें सोलर का यूज़ किया गया। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। सर, आप हमें बताएं कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। ये स्ट्रेचर है जिसको इमरजेंसी केस में यूज किया जा सकता है। सीढ़ी पे भी इसको चढ़ा सकते हैं? अच्छा, इसको आप गाइस काफ़ी अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बताइए आपका क्या प्रोजेक्ट है। अच्छा अच्छा फ्लोर वाइज किया आपने, काफ़ी अच्छा बनाया आपने। ये इन्होंने पार्किंग बनाई है, कार पार्किंग, काफ़ी अच्छा है सर। धन्यवाद। अच्छा, ये हमारा डेक। अच्छा, रोड में तो लोग डेक ही बोलते हैं। इस पर जब गाड़ी चलेगा, कई सारा गाड़ी होता है, ट्रक बस ऑटोमोबाइल जितने भी होते हैं सब रन करेंगे, तो उनका लोड होगा, वो लोड ये सस्पेंशन का होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस पर लोड पड़ता है। अच्छा, ये जो आपने इसमें लगा रखा है वो इसका प्रेशर जो होता है उसको सहता है। अच्छा, बिल्कुल, अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपका और इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स के हमारे इंडिया में ज़रूरत है, देख सकते हैं। बिहार में भी है, जिसका नाम भी ओवर सिंपलीज है। अच्छा, ये है ये प्रोजेक्ट। अच्छा, ये नॉर्दर्न और साउदर्न बिहार को जोड़ता है। अच्छा, धन्यवाद। भूकंप रोधक बिल्डिंग। अच्छा, नॉर्मल है, नॉर्मल बिल्डिंग ये हुआ, ये भूकंप रोधक बिल्डिंग है। लेटेस्ट टेक्निक्स के द्वारा इसको बनाया गया। अच्छा, जैसे कि जब भूकंप आता है तो लैंड शेक करता है, तो
इसने इसको आपने हिलाया फिर भी ये इसको कुछ दिक्कत इसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये हिलेगा अपने पोजीशन फिर नहीं है, इसको क्रैक आ सकता है, टूट भी सकता है। ये जैसा कि हमारे देश में देखा जाता है अक्सर लोग ऐसे ही बिल्डिंग्स बनवाते हैं, लेकिन आपने जो बनाया ये प्रोजेक्ट अगर इसके द्वारा अगर हमारे राज्य में या फिर हमारे देश में बनाया जाए तो ये काफ़ी अच्छा लोगों के लिए साबित हो सकता है। चलिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपका था भाई। सर आपने क्या बनाया? सर हमने ये बनाया सोलर इरिगेशन प्रोजेक्ट। अच्छा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम बिजली की खपत ना करते हुए ऊर्जा की यूज करके जो अभी हमारी सरकार इस पे जोर दे रही है। अच्छा इस ऊर्जा की यूज करके खेती करने का तरीका, खेती के लिए आपने स्पेशली इसको बनाया। अच्छा मेरा मेन मोटो ये है कि इस सोलर प्लेट के माध्यम से सारे जगह पानी पहुंचाना और इस प्लेट की कनेक्शन के साथ वाटर पंप के कंट्रोलर में सोलर प्लेट की कनेक्शन करके इस कंट्रोलर के माध्यम से वाटर पंप को चालू किया जाएगा। बिल्कुल। जिस वाटर पंप के माध्यम से मेज की खेती की जा रही है उसमें पानी मेज। जाएगा। अच्छा देन वाटर पंप के माध्यम से ही इधर पॉट में पानी ओवरफ्लो कराई जाएगी। बिल्कुल। और सेकंड कंट्रोलर के साथ वाटर पंप को चालू करके वॉन्ड के माध्यम से ही वाटर पंप के माध्यम से वाटर टैंक में पानी जाएगी और कुछ पॉन्ड में भी जाएगी। बेसिकली आपने इसमें सोलर का इस्तेमाल करके इसको पूरा जो इरिगेशन का चाहे जिसको बोल सकते सिंचाई का जो भी वो आप इसमें इस्तेमाल। चलिए बहुत बहुत आपका बहुत। सर आपने क्या बनाया? सर हाँ सर मेरा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। ये 2 एकड़ का जमीन है, इसमें हम लोग एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। इसमें ये डेयरी साइंस डेयरी फार्मिंग हो गया, इस साइड गोट फार्मिंग है और नीचे में इस दोनों का वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है। अच्छा इसको खाद के तौर पे मैन्योर के तौर पे आप इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा इसमें पॉन्ड भी बनाया आपने इसमें। अच्छा इसका वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होता है उसका हम लोग पीछे में वर्मी कंपोस्ट तैयार किया है। पीछे में कौन सा कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट है। अच्छा वर्मी कंपोस्ट अगर हम लोग देखा जाए तो वर्मी कंपोस्ट का हम लोग इसके वेस्ट प्रोडक्ट का गोबर गैस बना लेते हैं। अच्छा। और गोबर गोबर गैस का जब यूज खत्म हो जाता है तो उस गोबर का हम लोग वर्मी कंपोस्ट में मशरूम की खेती भी कर लेते हैं। अच्छा और इधर आगे में जो भी एरिया बचा हुआ है इसमें हम लोग फार्मिंग करते हैं। राइस फार्मिंग है, फ्लोरिकल्चर है और वेजिटेबल फार्मिंग है। तो इसमें जो फार्मिंग राइस फार्म करते हैं तो उसका देखा जाता है अभी के समय में तो मशरूम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है उसका पेट बनाने में। तो राइस जब हम कोई हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसका भी वर्मी कंपोस्ट में ही दे देते हैं। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज, बहुत ज़्यादा सही बात है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो उसके कारण सरकार हमें और हमारी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जितना छोटा से छोटा लैंड हो उस पर ज़्यादा क्रॉप हम लोग उगा सकते हैं। बिल्कुल अभी अभी ये चीज़ देखा जा रहा है जैसा कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है अभी हमारे देश में और ये चीज़ फेस करना पड़ा, तो क्या उसमें ये आपका प्रोजेक्ट काम आ सकता है? सरकार माननीय सरकार साहब को ध्यान देना चाहिए। अच्छा हमारा ये 2 एकड़ का ही है और ये हमने 3 लाख की रोपे लगाए हैं। अच्छा 3 लाख के प्रोजेक्ट में आपको 22 लाख आउटकम आ रहा है। अच्छा मतलब बहुत कम लागत में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे रहे हैं। चलिए किसान भाई से आग्रह भी करेंगे कि इसको प्रमोट करें, सोसाइटी में लाएं, देश में लाएं, जिससे कि हमारे देश में भूखमरी ना हो, लोगों को भोजन मिलता रहे हर हमेशा, सब संतुष्ट रहें। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। तो ये है वो कॉरिडोर जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं और अभी मैं आपको कॉन्फ्रेंस हॉल जो यहाँ पे प्रतियोगिताएं हो रही हैं वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ना हौसला छीनो, हर वक्त आता हूँ तुम्हारे ही काम क्योंकि मैं खाती हूँ। कई दिन हो जाते हैं घर लौटना, कई दिन हो जाते अपने घर गांव लौटना, फिर भी मैं अपने देश के लिए फिर भी रहता हूँ अपनी मातृभूमि की रक्षा में क्योंकि मैं खाती हूँ। खाती पे है हमें अभिमान, हमें सुरक्षा। सो आपने जैसा कि अभी देखा कि हमने आपको जो कॉरिडोर था जहाँ पे बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो हमने दिखाया, जो
कॉन्फ्रेंस हॉल था वो दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पेंटिंग्स की प्रतियोगिता जो हो रही है वो कैसी हैं और कैसे कैसे बच्चे तो तैयार। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे जो पेंटिंग की प्रतियोगिता है वो हो रही है, और आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं कि वो इस प्रतियोगिता में भाग लेके कैसा। आप अभी कलर भर रहे हो, क्या बनाया बाबू आपने? अर्थ बनाया आपने, वाह। देखिए इन्वायरमेंट प्रमोट कर रहा है बच्चा। सर आप हमारे सी वी रमन यूनिवर्सिटी से हैं क्या? जी। क्या बनाया आपने? ये हमारा भविष्य है जो हमारे आजकल की पीढ़ी आगे की ओर जा रही है शहर की ओर। जैसा कि आपके इस प्रोजेक्ट में मुझे दिख रहा है कि पेड़ जो है वो तो है लेकिन प्रदूषण काफी ज्यादा है। जी सर। वो फैक्ट्रीज है क्या? यस सर। फैक्ट्री से बहुत सारा धुआं निकल रहा है जो हमारे इन्वायरमेंट को काफी प्रभावित कर रहा है। चलिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। क्या नाम हो आपका बाबू? अमीषा कुमारी। क्या बनाया है और इस पिक्चर के साथ आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं लोगों को? मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। काफी अच्छा मैसेज है और काफी सुंदर आपने बनाया है इसको। इनका पेंटिंग देख के हमें काफी अच्छा लगा, ये तो खुद ब खुद कुछ कहता है। इन्होंने एक हाथ बनाया है जिसमें प्रकृति को इन्होंने लिया है, तो ये जो हाथ है ये आपका मेरा और इन सभी बच्चों का है जो यहाँ पे जो सभी टीचर्स जो इनका एग्ज़ाम ले रहे हैं सभी के हाथ में है। और अगर आप लोग चाहें तो इस पिक्चर को सफल बना सकते हैं, आप लोग इस पिक्चर के द्वारा कुछ सीख सकते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। दिस इज द करंट सिचुएशन। हाँ जिससे वो जल्दी डिस्पोज हो जाए, हमारे इन्वायरमेंट को कम इफेक्ट करे। सनलाइट का हमें यूज करना चाहिए, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं। लाइट बल्ब वगैरह भी, कार चार्ज होती है अब तो, गाड़ी वगैरह रिक्शा भी आ गए हैं, और जो अभी का है उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती है। और इन्होंने कुछ अलग तरह का पेंटिंग बनाने का प्रयास किया है और इसे बोलते हैं ग्लास पेंटिंग। ये आपने कहीं से सीखा है या फिर खुद से बनाया आपने? सीखा है। तो काफ़ी प्यारा बनाया आपने, और ये भी वही मैसेज देना चाह रही हैं कि आप अपने अर्थ को खुद बचा सकते हैं, नहीं तो फिर जो हो सकता है वो तो हमने देखा ही अभी कोरोना के टाइम में। क्या बना रहे हैं बाबू आप? आपने भी वही बनाया है जो सबों ने बनाया है, क्योंकि आपको थीम दिया गया शायद। आप भी वही दर्शाना चाह रहे हैं कि कैसे लोग अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेके कैसा लग रहा है ये बताएं हमें आप। अच्छा लग रहा है। आप खुश हैं? जी। और आप पर्यावरण को खुद से बचाएंगे? जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या आप खुद से हमारे पर्यावरण को बचाएंगे? यस। पक्का? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो इतने प्रतिभावान बच्चे आप जो देख रहे हैं जिन्होंने एक थीम लिया है कि पर्यावरण को बचाना है, ये लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो बच्चों आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग के मन में क्या चल रहा है। क्या आप लोग पर्यावरण को बचाने में हमारा सहयोग करेंगे? करेंगे? और जब ये छोटे छोटे बच्चे जब कर सकते हैं तो आप लोग तो खैर समझदार व्यक्ति हैं, तो इन बच्चों से कुछ सीखिए और हमारे पर्यावरण को बचाने में हम बच्चों का सहयोग करिए। और किसी भी प्रतियोगिता या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम कहीं पे होता है तो उसके लिए कुछ जो बिना किसी स्वार्थ के बच्चों को या फिर किसी भी प्रतियोगिता किसी बड़े स्तर छोटे स्तर पे हो तो उसमें कुछ लोगों का योगदान होता है, और उन लोगों को आप देख सकते हैं मेरे साथ। ये है हमारे कॉलेज के वॉलंटियर्स जो कि इस प्रतियोगिता का निरीक्षण करते हुए किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम किसी के बीच ना हो इसलिए इन्होंने ये काम किया है यहाँ पे। और वो रहे ओमकार सर, और उन्हीं की देखरेख में ये सब चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी सपोर्टिव हैं, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं। सर ये क्या हो रहा है सर? ये हमारे कॉलेज में युवा उत्सव फेस्टिवल, उसमें ये रंगोली का कॉम्पिटिशन जा रहा है। रंगोली की प्रतियोगिता? हाँ, अच्छा अच्छा ये देख सकते हैं आप लोग
काफ़ी सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ये यहाँ के नहीं, काफ़ी अलग अलग जगह के बच्चे हैं। ये मेरे द्वारा बनाया वीडियो चल रहा है। सारे हैं मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स और ये था पेंटिंग मेरा मोबाइल रुको। हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये था पेंटिंग में इसको सिखाया था। हेलो गाइस, मुझे देखा मैंने, भाई तुम्हारा पेंटिंग का फोटो तो जरूर होगा। हाँ, एकदम क्यों नहीं है मेरे पास, मुझे दिखाना एकदम क्यों नहीं। और मुझे भरोसा है जिस हिसाब से ये जिस हिसाब का ये लड़का है, ये काफी अच्छा पेंटिंग बनाया होगा। और इसको आप लोग देख पा रहे होंगे, इसने काफी अच्छा कविता लिखा है जैसा कि मुझे पसंद है। शायद से आप लोग देखो गाइस, ये रही मेरी पेंटिंग, हम फोटो डाल देंगे, फोटो मुझे सेंड कर देना। और ये काफी अच्छा, तुम भी पोएम का फोटो सेंड कर देना। और इन लोगों को शिकायत था कि तुमने हमें नहीं लिया अपने वीडियोस में, तो काफी अच्छा है, काफी मतलब इन लोगों को मैं सपोर्ट करूंगा। मेरा भी, मेरा भी। और ये भी है, इन्होंने भी काफी अच्छा, माता पिता पे आपने लिखा था ना, सबका काफी अच्छा लगा। और बेसिकली ये दोनों जो इसका टॉपिक था उसके हिसाब से बहुत अच्छा और उसका बहुत अच्छा। था वो तो हो चुका है, हमें भी मिला प्राइज सर्टिफिकेट, सेकेंड आए हम। और जिन्होंने लाइव परफॉर्म किया था काफ़ी अच्छा था उनका भी, तो उनको फर्स्ट प्राइज मिला। खैर उससे कोई ये नहीं है, अच्छे सबों ने किया और सबको हमारा कॉलेज सपोर्ट करता है। तो इसलिए आप लोगों को कैसा लगा ये फेस्ट देख के और यहाँ का मैनेजमेंट देख के, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसा अगर कुछ आगे होता है तो ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो टैलेंट यहाँ पे आप दिखा सकते हैं आपका। इसी के साथ थैंक यू सो मच, प्लीज़ नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।